हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सानू को होश आ जाता है, जिसके बाद प्रीत जो है उससे बात कर रही होती है, लेकिन बातों बातों में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसकी वजह से दोनों ही अपसेट हो जाते हैं और प्रीत जो है वो बाहर आ जाती है। तो सानू की मम्मा उसे कहती कि क्या हुआ, तो प्रीत उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती, लेकिन सानू की मम्मा बिना कहे ही समझ जाती है। और इन दोनों के बीच की ये जो लड़ाई होती है इसे ख़त्म करने के लिए वो उसे सानू के पास भी लेके जाती है और कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे उन दोनों का मूड ठीक हो जाता है। लेकिन बात अभी वहीं की वहीं होती है, क्योंकि प्रीत जो है जिस बात से नाराज़ होती है वो सानू की हरकत होती है। लेकिन इसके बाद ये लोग जो होते हैं वो घर आ जाते हैं, तो सानू की मामा जो है वो उसे उसके रूम में छोड़ने निकल जाती है, क्योंकि सानू में अभी भी कमज़ोरी काफ़ी होती है। रूम में जाने के बाद सानू की मामा जो है वो उससे कहती है कि तुम अब आराम कर लो, और वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उनके साथ साथ प्रीत भी जा रही होती है। तो वो उसे वहीं पर रोक देती हैं और खुद रूम के बाहर आ जाती हैं। तो अब सिर्फ प्रीत और सनु जो होते हैं वो अकेले होते हैं। तो सनु जो है वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है प्रीत, लेकिन प्रीत कुछ भी नहीं कहती, उल्टा वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो सनु से कहती है, प्रीत मैं मानती हूँ मेरी गलती है यार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतना नाराज़ रहोगी मुझसे। लेकिन प्रीत फिर भी कुछ नहीं कहती। तो सनु जो है वो उसके पास आ जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद प्रीत की आंखों में से ऐसे आंसू आने लग जाते हैं। तो सनु जैसे ही पीछे होती है वो प्रीत की तरफ देखती है, तो वो रो रही होती है। तो सनु उसे दोबारा से कह लेती है, प्रीत प्लीज़ मत रो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे मत रो। लेकिन प्रीत कहाँ मानती है, वो तो उल्टा और ज़ोर से रोने लग जाती है। तो सनु ना उसे अपने पास थोड़ा सा पीछे लेती है, प्रीत मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रो यार। लेकिन प्रीत चुप नहीं हो रही थी, तो सर उसे पानी का गिलास देती है, पी लो। लेकिन प्रीत उसे लेके साइड में रख देती है और वो सानू को मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हग करती है, जिसकी वजह से वो बेड पे गिर जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और प्रीत ने अभी भी सानू को हग किया होता है, वो उसकी बॉडी पे एकदम सांप की तरह लिपटी हुई होती है। उसने अपने दोनों पैरों को तो सानू की कमर की तरफ और अपने हाथों को उसके शोल्डर के मतलब शोल्डर के पीछे से कस के एकदम जोर से पकड़ा हुआ होता है, जिसके बाद सानू को सांस तो नहीं आ रही होती, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अब की बार वो बोलेगी तो सच में उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि सांस का तो पता नहीं, प्रीत ज़रूर वहाँ से चली जाएगी। तो चुपचाप रहती और कुछ नहीं कहती, और प्रीत जो है वो उसे ऐसे ही गले लगाए हुए रो रही होती है। पर कुछ देर के बाद सानू की हिम्मत टूट जाती है और वो प्रीत को सहलाते हुए कहती है, प्रीत देखो मैं अभी अभी आई हूँ और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम थोड़ा सा कम टाइट हक करोगी। तो प्रीत जो है वो खड़ी हो जाती है, हाँ मैं भूल गई थी। तो सानू कहती, नहीं नहीं मैंने तुम्हें खड़े होने के लिए नहीं कहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, बस है ना थोड़ी पकड़ जो है ना वो मजबूत ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा जैसे अंबुजा सीमेंट से पकड़ रखा हूँ। तो इसके बाद प्रीत होती है वो हंसने लग जाती है। तो सानू कहती है, देखो तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है ना, तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम ना मैं इसे ही देख करके दीवानी हो गई थी। तो प्रीत कहती है, बस बस पता है वो सूगले से अवतार को देख के तो तुम फिदा हो गए थे और अब स्माइल झूठ है। तो सानू कहती है, अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारी प्यारी वाली स्माइल को देख के तुम्हें ऐसा क्यों लगता नहीं है कि मैं फिदा हो गई हूँ। तो प्रीत, हाँ क्योंकि ये प्यारी है ही नहीं और झूठी मूठी तारीफ मुझे पसंद नहीं है। तो सानू कहती है, एक काम करो आईने के सामने जा खड़ी होकर देखो कितनी प्यारी स्माइल है, मेरा दिल तो ये स्माइल ले जाती है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रीत कहते हैं, हाँ तो इसी स्माइल के साथ ज़िंदगी बिता लो ना आप, और वैसे भी इसी स्माइल को ख़त्म करने में तो आपका पूरा पूरा हाथ है, जैसी आपकी हरकतें चल रही हैं। तो सानू उसका हाथ पकड़ते हुए अपने दिल पर रख देती है, ज़रा यहाँ देखो तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो यार, वो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसा टाइम था कि मेरा खुद पर से कंट्रोल हट गया। वरना तुम एक बात बताओ, तुम क्या कहती हो कि यार इतनी सीरियस कंडीशन को इतनी आराम से हैंडल कर लिया, यार जब मैं सारी सिचुएशन इतना आराम से हैंडल कर सकती हूँ तो वो नहीं कर सकती थी। पर कहते हैं ना कि कभी कभी दिमाग है ना ख़राब हो जाता है तो वो डिसीज़न गलत ले लेता है, तो तुम इस डिसीज़न को भूल नहीं सकती हो क्या, इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ प्रीत। तो प्रीत उसे दोबारा से गले लगाती है,
तो सन कहती है, देखो अब की बार थोड़ा सा कम। तो भी क्या, अगर कहो तो दूर हो जाओ। तो सन उसे हकल, नहीं, दूर होने को किसने कहा है, मैंने कहा थोड़ा टाइट कम करना, आई मीन टू से टाइट हक कम करना। सनू तो उसके साथ मजाक कर रही होती है, लेकिन प्रीत जो है उसके दिमाग में तो कुछ और होता है। वो तो सनू के लिप्स की तरफ देख रही होती है, और जब ये सनू नोटिस करती है तो वो प्रीत से कहती है, क्या हुआ? तो प्रीत जवाब नहीं देती। तो सनू कहती है, प्रीत। लेकिन प्रीत फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो सनू उसका हाथ पकड़ के अपने करीब कर लेती है। तो इस वक्त प्रीत जो है वो सनू की बाहों में होती है। तो सनू से कहती है, प्रीत क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? और ये सुनते ही प्रीत की आंखें थोड़ी सी बड़ी रहती, क्या? तो सनू कहती है, हाँ क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? तो प्रीत कहती है, तुम और किस, खुद से? क्या बात है। तो सनू कहती है, अब क्या करूँ, मुझे मेरी जान को मनाना भी तो है। तो प्रीत कहती है, अच्छा तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसे मानूंगी। तो सनू उसे अपनी बाहों में जो ले रखा होता है उसे बेड पे करते हुए खुद उसके बिल्कुल करीब लेट जाती है, और उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों में अपना हाथ फेर रही होती है, और उसके बाद अपने फिंगर्स को उसके फिंगर्स में फंसा लेती है। तो तुम्हें ऐसा लगता है प्रीत कि मैं तुम्हें नहीं मना पाऊंगी? तो प्रीत कहते हैं, ऐसे? तो सन कहते, नहीं मैं तुम्हें कैसे भी मना सकती हूँ, पर इस वक्त मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। प्रीत, जो तुम्हें पेन हो रहा है मैं उसे अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ, और उस दर्द से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आखिर मैंने कैसे कैसे तुम्हें इतनी तकलीफ दे दी? आई एम सॉरी, और मैं तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। प्रीत, अब की बार माफ़ कर दो, लाइफ टाइम कभी कोई गलती नहीं करूँगी, आई स्वेयर, मैं फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगी। तो प्रीत जो होती है वो अपना एक हाथ सन के गाल पे रखती है। मैं माफ़ तो करना चाहती हूँ पर जाके भी नहीं कर पा रही हूँ, पता है आप कुछ भी करते ना तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पता है पूरी रात मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर कुछ हो गया तो, अगर आपको कुछ हो गया तो, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये ख्याल मेरी जान ले रहा था हर पल हर सेकंड। इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। सनू, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बस तुम्हारे साथ मस्ती करती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती। तो सनू उसके हाथ के ऊपर किस करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, एक बार माफ़ कर दो, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। पर ऐसा बोलते हुए सनू की आंखों में आंसू होते हैं, जिसके बाद प्रीत जो है वो उससे कहती है, ठीक है मैंने माफ़ किया। तो सनू जो है वो उसको गले लगा लेती है। तो प्रीत कहती है, अब माफ़ कर दिया तभी भी इतने उदास हो? तो सनू कहती है, यार तुमने तो माफ़ कर दिया, मैं खुद को कैसे माफ़ करूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम। तो प्रीत जो है वो सनू से कहती है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मेरी सारी बातें मान करके मुझे मना सकते हो और अपना दर्द कम कर सकते हो। तो वो अपनी सनू आंखें खुलती हैं, क्या कहा? तो प्रीत कहे, हाँ, मैंने ऐसा ही कहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे परेशान किया गया है या मैं परेशान हुई हूँ या कुछ भी, और आप गिल्टी फील कर रहे हो तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि मैं आपको जो बोलूँगी आप करोगे। तो सनू कहती है, ठीक है डन, प्रॉमिस, जो तुम बोलोगी जैसे तुम बोलोगी वैसे करूँगी, बस ये तकलीफ़ कम हो जाए। तो प्रीत कहती है, हाँ, वो तो मैं कर दूँगी। तो सनू कहती, तुम कैसे करोगी? तो प्रीत जो है वो उसके लिए उस पर हल्के से किस करती है। तो सर ये क्या था? तो वो कहते, बस थोड़ी सी एक मेडिसिन थी, ये याद दिलाने के लिए कि अभी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, अब आपका पेन तो मैं दूर कर दूंगी, लेकिन जो आपने हरकत करी है उसके लिए जो पेन होगा वो तो डॉक्टर की दवाइयों से दूर होगा ना, तो पहले आप दवाई लीजिए, चलिए खड़े होइए अब। तो सन कहती है, अरे यार तुम इस मोमेंट पर कब से दवाई सोचने लग गई यार प्रीत, तुम तो कितनी रोमांटिक हो। तो प्रीत उसका हाथ पकड़ते, रोमांटिक तो मैं आज भी हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन दवाई है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे रोमांस से, तो पहले दवाई लेंगे उसके बाद। तो सन कहते हैं, उसके बाद? तो भी उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद एक और दवाई लेंगे, उसके बाद आपका एक ही काम वो है आराम करने का, तो आप आराम करेंगे, आई बात आपके समझ में? तो सन कहते हैं, हाँ आ गई। तो प्रीत कहते, वाह बहुत जल्दी आ गई। तो सनी कहती, हाँ ये बात तो बहुत जल्दी आनी ही थी मुझे, क्या है ना कि अब अगर ये बात नहीं मानती, तुझे इतने अच्छे से तुम मानी हो
फिर से नाराज़ हो जाती। तो प्री कहती, बस मेरी नाराज़गी के लिए? तो सन कहते, हाँ तुम्हारी नाराज़गी के लिए। तो प्री कहते, अच्छा खुद का कोई ख्याल नहीं है? तो सन कहते, नहीं अपना ख्याल तो मेरे को कभी भी नहीं था। तो प्री कहती, बस करो तुम, चलो दवाई लो। सो उसके बाद प्री जो होती है वो सानू को दवाई दे देती है और उसे आराम करवा रही होती है। लेकिन सानू का मन आराम करने का तो बिल्कुल नहीं होता, उसका मन तो छेड़खानियाँ करने का होता है प्रीत के साथ। तो प्रीत जब उससे ब्लैंकेट उड़ा रही होती है तो सानू प्रीत को जो है वो अपने करीब कर लेती है और दोनों को ब्लैंकेट में ले लेती है। तो प्रीत कहती, क्या? तो सानू कहती, कुछ नहीं। तो प्रीत, बस मैंने मना करा ना आराम। तो सानू कहते, हाँ तो आराम ही तो करियो, मेरा सुकून तुम हो, मेरा आराम तुम हो, मेरा तो चैन भी तुम हो। तो प्रीत कहती है, बिल्कुल, और नींद हमसे ज़्यादा ज़रूरी नींद है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, मेरी नहीं। तो सानू कहते हैं, ओ हेलो, मेरी रिक्वायरमेंट मेरे को पता होगी, तुमको पता होगी, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे नींद चाहिए या फिर तुम। तो प्रीत के चेहरे पे एक बार तो स्माइल आ जाती है और बहुत ज़्यादा बड़ी वाली आ जाती है, लेकिन फिर वो उससे छुपाते हुए, चुप, कुछ नहीं चाहिए, और तुमसे बेहतर मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए और आराम करो सिर्फ, दे वरना। तो सानू कहते हैं, वरना क्या? वरना क्या? तो फिर कहते, वरना ना। तो सानू कहते, हाँ वरना ना, क्या वरना? ले तो आई एक और, अब क्या तुम चाहती है नहीं वरना और लेकर के आऊँ? तो प्रीत हंसने लग जाती है, नहीं एक ही बहुत है, और वैसे भी है कौन? मैं, आप, मम्मी और पापा। तो सानू कहते, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तुम ही कह रही हो वरना वरना। खैर ये सब बातें छोड़ो। तो प्रीत जो होती है वो सानू के पास आ रही होती है, सॉरी 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 एक सेकेंड, सानू प्रीत के पास आ रही होती है, हाँ। तो सानू जो होती है वो प्रीत के पास आ रही होती है, लेकिन प्रीत उसे थोड़ा सा दूर करते हुए, मैंने कहा ना आराम कर लो। तो सानू कहती, मैंने भी तो कहा ना मेरा आराम तुम हो। तो प्रीत कहती, क्या चाहिए सानू? तो सानू कहती, किस? तो प्रीत जो है वो उसे ऐसे शॉकिंग वाली नज़रों से देख रही होती है। तो सानू कहती, क्या है? तो भी यार मैंने कभी भी ना आपके मुंह से ऐसे वर्ड सुने नहीं है, मतलब सुने हैं लेकिन ऐसे नहीं सुने ना कि मैंने पूछा आपको क्या चाहिए और आपने मुझे ऐसे सीधे कदे किस चाहिए, या तो आप कर लेते हो या फिर आराम से कहते हो, ये पहली बार था जब ऐसे कहा था। चलो आपने पहली बार कहा है तो कर लो कोई बात नहीं। तो सानू कहती, अच्छा मतलब अगर ये मैंने पहले कहा होता तो तुम नहीं करने देती? तो भी नहीं नहीं करने देती ना, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार तो आपने ऐसे ना किस चाहिए, ऐसा ना ऐसा लगा जैसे मांगा नहीं हो, हक जताया हो, और आपको तो पता है हक जताने वाली चीज़ को तो मैं वैसे ही मना नहीं करती आपको। तो सानू कहती, बस तो फिर चलो दे दो। तो प्रीत कहती है, हाँ तो ले लो। तो सानू कहती, कैसे? तो प्रीत को और हंसी आ जाती है, तुम चुप करके सो जाओ यार, चुप। तो सानू कहती, अरे चुप वाली की बात है, दे दो ना यार, किसी ऐसे थोड़ी ना होता है। तो प्रीत कहती, यार बस करो तुम, मेरा दिमाग मत घुमाओ तुम, और एक सेकंड यार एक काम करती हूँ, एक बार घर जाती हूँ, क्या है ना कि कल से घर भी नहीं गई हूँ, मम्मी पापा से मतलब मम्मी पापा से भी नहीं मिली हूँ, और एक नीचे भी जाऊँ ना, तुम्हारी मम्मी क्या सोच रही होगी? तो सानू कहती, क्या सोच रही होंगी? यही सोच रही होंगी कि बच्चे कुछ ज़्यादा बड़े हो गए। तो प्रीत कहती है, बस नाटक मत करो तुम, अब तुम्हें पता है ना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में कुछ भी ऊट पटांग सोचे, वो ये सोचे कि हम दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सानू कहती है, एक सेकेंड, अगर मम्मी सोच भी लेगी तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक बात बताओ, फ्यूचर में मेरी भी शादी का उन्होंने प्लान तो कर ही लिया था ना, तो वो क्या सोचती मेरे हस्बैंड के बारे में, अब वो वही सोच लेंगी तुम्हारे बारे में, क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रीत कहती, बस मैं यही नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ भी उलट पटांग से सोचे अभी। तो सानू कहती, एक सेकेंड, एक रूम में दो इंसान जो एक दूसरे के करीब आते हैं वो उलट पटांग होता है? तो प्रीत कहती है, वो उलट पटांग नहीं होता, लेकिन ना इस टाइम वो उलट पटांग ही है मेरे लिए। तो सानू कहती, यार तुम पहले समझने की कोशिश करो कि तुम एक्चुअली में कहना क्या चाहती हो, एक्सप्लेन, आखिर कहना क्या चाहती हो? तो प्रीत कहती, ये कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं जा रही हूँ और मैं जाऊँगी। तो सानू उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है, नहीं जाने तो मैं तुम्हें कहीं नहीं दूँ, कभी नहीं दूँ, अभी तो क्या ज़िंदगी भर ना जाने दूँ। तो प्रीत कहती, अरे बाबा ऐसे थोड़ी ना जा रही हूँ,
जा रही हूँ का मतलब ये है कि अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा नहा धो लेती हूँ, फिर आ जाऊँगी। तो सनम कहती, नहीं, चलो ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो उतना जल्दी आओगी, ठीक है? हाँ बाबा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाऊँगी, पर जाने की इजाज़त तो दो अब। तो सनम कहती, बिल्कुल, इजाज़त लेके ही जाओगे तुम। तो भी कहते, नहीं, मैं तुम्हारी कोई इजाज़त नहीं ले रही थी, मैं तुम्हें बता रही थी। तो सनम कहती, नहीं, तुमने कहा ना इजाज़त तो दो अब, ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आना। तो प्री कहती, बस करो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो सन कहती, हाँ, लेकिन मेरे समझने का वही वाला मतलब था कि तुम मेरी परमिशन से जाओगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जाओ नहा लो। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या ना इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए हमेशा वाला टैगलाइन वाला कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके बाय, सी यू।